हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्मिता और आज के वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी जो कि हम हरे मटर के साथ बनाएंगे। और हरे मटर का कच्चापन जो होता है उसे दूर करने के लिए हम उसे बॉईल नहीं करेंगे, हम उसे रोस्ट करेंगे। तो वो मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये रेसिपी इसके बनाने के मेथड की वजह से बहुत ही डिलीशियस बनती है। और सीज़न में है मटर, तो मटर का अपना एक फ्लेवर होता है, वो भी इसमें बहुत अच्छे से उभर के आता है। तो होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। हरे मटर का ये नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सूजी और दही को मिक्स कर लिया था। तो ये आप पहली रात में, अगर मॉर्निंग में आप बना रहे हैं तो रात में ही बना कर रख लें। तो यहाँ पे हाफ कप मैंने सूजी और हाफ कप मैंने दही उसमें डाल के इसे इस तरह से भिगो दिया था। एक कप मैंने लिया है मटर। तो मटर को हम प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इसे रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये आयरन वॉक है, इसमें मैं जस्ट मटर को ऐसे वॉश करके डाल दिया है मैंने ये, और इन्हें हम इसी तरह से रोस्ट करेंगे। और आप देखेंगे कि इसमें हल्का हल्का सा बर्निंग इफ़ेक्ट आने लगा है। तो इस तरह से ये मटर काफ़ी अच्छे से रोस्ट भी हो जाएगी और इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाता है। तो जिस तरह से आप डीप फ्राई करके मटर को तैयार करते हैं, ये मटर बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जाती है। और इसे बिल्कुल हल्की आँच पर रखें, नहीं तो इस तरह से मिक्स करते हुए इसे हम कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है। तो बस इस तरह से, और आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छे से कुक होती है। जैसे आप बॉईल करेंगे तो काफ़ी पानी भी उसमें आ जाता है, इसमें इसका सारा मॉइस्चर निकल जाता है, काफ़ी ड्राई ये मिक्सचर हो जाता है। तो ये रेडी है इस टाइम पे, और मैं इसे एक कप को दबा के दिखाती हूँ। ये इतनी सॉफ्ट हो गई हैं कि आप इजीली इसे प्रेस कर सकते हो। तो बस अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड हम इसे बहुत मोटा नहीं करेंगे, कोर्सली ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने हल्के से ठंडे होने के बाद एक ग्राइंडिंग जार में ले ली हैं, और इसमें इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं जो भी फ्लेवर हम इसमें डालना चाहें। तो मैंने एक चिली को छोटा छोटा पीसेस में किया है, और एक छोटा 1 इंच का टुकड़ा अदरक का भी मैंने छोटे पीसेस में कट करके इसमें डाल के इसे ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये काफ़ी ड्राई सा पीसेस का रेडी हुआ है, और इसमें काफ़ी चंक्स भी हैं इसके। तो बस इसे हम सूजी और दही वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे। सूजी और दही को रात में भिगोने से ये होता है कि ये थोड़ा सा फ्रेगमेंट हो जाता है और काफ़ी फ्लफ़ी बनते हैं ये अप्पे जो हम इससे बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो ड्राई मिक्सचर है इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे। अभी आप देखेंगे इसमें सूजी है तो ये काफ़ी थिक रहता है मिक्सचर। तो जो भी ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा मटर हमारा रह जाता है उसमें हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 चम्मच मैंने पानी इसमें डाला है। तो आप देख लें कि जिस तरह बैटर में रिक्वायरमेंट है उतना पानी डाल के उसे क्लीन कर लें और उसी को इसमें ऐड कर दें। तो बस ये बैटर हमारा रेडी है ऑलमोस्ट। तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मैं डाल रही हूँ, इसको हम ग्रीन ही रखेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं, बट मटर का एक डोमिनेंट टेस्ट आए इसलिए इसमें जस्ट हमने मटर और हरा धनिया ही डाला है। 1 चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ही डाला है नमक, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और 1 चम्मच डाला है जीरा, साबुत जीरा, इसका भी बहुत अच्छा क्रंच इसमें आता है। इसकी जगह आप सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। तो इसको बस अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब ये रेडी है। तो हमने यहाँ पे अप्पे पैन को हीटअप कर लिया है, और अप्पे बनाते समय ध्यान रखें कि अप्पे पैन को अच्छे से हीटअप करें, जैसे कि हम डोसा बनाते हुए करते हैं, ताकि अप्पे जो बने वो उसमें अच्छे से नीचे चिपक जाएं और एक क्रिस्पनेस वो दें। तो इस तरह से इसको गर्म करने के बाद मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। जब एक बार ये सीज़न हो जाता है पैन, फिर आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पर स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा बैटर इसमें डालेंगे, और अब जब ये पैन हमारा एक बार गर्म हो गया है उसके बाद हम आंच को बिल्कुल कर देंगे मीडियम, और इसको फिल करने के बाद इसे हल्की आंच पे ही हम कुक करेंगे। आप चाहें तो ऊपर से हल्के से चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं या तिल डाल सकते हैं, सिसमे सीड,
और अब बस इसे कवर करके हल्की आंच पे कुक होने दें, क्योंकि सूजी है अगर आप आंच तेज़ रखेंगे तो अंदर से वो अनकुक्ड रह जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्की आंच पर पकते हुए ये रेडी हो रहे हैं और ये काफ़ी फ्लफ़ी हो गए हैं। तो सेंटर वाले को आप पहले चेक करें क्योंकि वहाँ पर हीट सबसे ज़्यादा होती है, तो वो अगर फ़्लिप हो रहा है तो बाकी के उस तरह से ही हम फ़्लिप कर देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने फ़्लिप कर दिया है, बाकी के अभी थोड़ा सा कच्चापन है इनमें, तो इसे फिर से हम कवर कर लेंगे और थोड़ी देर बाद इसे फिर से चेक करेंगे। तो बस अब ये रेडी है फ़्लिप करने के लिए। तो बस इनमें हल्का सा गोल्डन कलर एक तरफ से आए, अगर आप बहुत तेज़ आंच रखेंगे तो ये बर्न से हो जाते हैं, तो वो फिर टेस्ट अच्छा नहीं देते और अंदर से सूजी भी अनकुक्ड रह जाती है। तो बस इस तरह से ये अच्छे से फूल गए हैं और आप देख सकते हैं कितने फ्लफ़ी ये हैं। इन्हें फ्लिप करके दूसरी तरफ से भी इसी तरह से गोल्डन होते हुए कुक करेंगे इन्हें। सारे अप्पों को हमने फ़्लिप कर लिया है यानी कि पलट लिया है, तो अब हल्का सा ऑयल और इसमें डाल के हम दोबारा से लिड से इसे कवर कर लेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे ही इसे कुक होने देंगे। तो बस अब ये रेडी है, नीचे से भी अच्छी ब्राउनिंग आ गई है, तो बस इन्हें हम निकाल लेंगे और अब इन्हें गर्मा गर्म आप सर्व करें किसी भी चटनी के साथ। ये बहुत ही डिलीशियस लगते हैं और आप इनको देख सकते हैं कितने फ्लफ़ी ये बने हैं और बहुत ही यूनिक सा टेस्ट इनका आता है। मटर का एक अलग सा क्रंच जो है वो इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। और फ्लेवर के लिए आप जो भी चीज़ें अदरक लहसुन या लहसुन के पत्ते जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो सीज़न में जो भी चीज़ अवेलेबल हैं उन्हें नए नए तरीके से बना के आप इंजॉय करें। तो ये थी मज़ेदार सी मटर अप्पे की रेसिपी जो बहुत ही यूनिक तरीके से रेडी हुई है और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसे आप बच्चों के लिए टिफ़िन में बना सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में, जब भी छोटा मोटा कुछ भी भूख हो उसमें आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। और ये आपने देखा बहुत ही क्विक बन जाता है और बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक करना नहीं भूलें। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि ये रेसिपी कैसी बनी और आपकी फैमिली को पसंद आई कि नहीं। मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।